बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज है, मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन है, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कार्यक्रम में शिरकत की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को। आज पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था मुख्यमंत्री आवास पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरीश खनेड़ा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हरीश, कार्यक्रम का आयोजन किया गया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, क्या कुछ खास नजर आया? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री आवास में आज जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी है उनकी आज पहली पुण्यतिथि है। दौरान आज मुख्यमंत्री ने उनको माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और बात करें तमाम जगहों की तो आज सभी जगह जैसे कि जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय है वहाँ पे भी आज कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ पे भी श्रद्धा सुमन उनको अर्पित की जाएगी। तो कुल मिला के अगर बात करें तो आज बीजेपी पूरे प्रदेश भर में आज तमाम जगहों पर जो भी, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास हो या फिर बीजेपी प्रदेश कार्यालय हो या फिर महानगर कार्यालय हो या फिर मुख्यमंत्री जो जो कैंप कार्यालय है वहाँ पे भी तमाम जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत रत्न रहे हैं, उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही है। बताया ही जा रहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यालय में भी पहुंच सकते हैं और वहाँ पे भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की जा सकती है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री का जो दौरा था वो पिथौरागढ़ का था, लेकिन मौसम खराब के कारण वो दौरा उनका निरस्त हो गया है। लेकिन अब वो देहरादून में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब आप देहरादून में रहेंगे तो वो बीजेपी कार्यालय भी पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज का दिन बेहद ही खास और जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि के अवसर पर। जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और हालांकि आपको बता दें कि सीएम आवास पर भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, श्रद्धांजलि अर्पित की गई सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। और जगह जगह और भी आगे के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जगह जगह श्रद्धांजलि के इस अवसर पर। उनकी जीवनी पर प्रकाश भी डाला जाएगा, उनका आचार विचार कैसा था उसको याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि करने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। और